अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ महबूब, आई एम फ्रॉम हादी इलेक्ट्रॉनिक्स। आज हम आपके लिए प्रोडक्ट लेके आए हैं ऑक्स एयर कंडीशनर, जो कि चाइना की बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत सारे ब्रांड्स को मैन्युफैक्चरिंग करके दे रही है मल्टीपल नामों से। हमारे पाकिस्तान के वेल नोन ब्रांड्स ऑक्स से जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं और पाकिस्तान में अपने प्रोडक्ट को अपने नाम से सेल आउट कर रहे हैं। ऑक्स पाकिस्तान में एक नया नाम है, जो कि इसे यूनाइटेड ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है वो इसको डील कर रहा है पाकिस्तान में। यूनाइटेड रेफ्रिजरेशन जो कि हाइसेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं मार्केट में, हाइसेंस के डिस्ट्रीब्यूशन भी है और ऑक्स को भी डील कर रहे हैं। अगर हम ऑक्स की बात करें, ऑक्स में बेसिकली कंपनी दो मॉडल्स प्रोवाइड कर रही है, एक वाइट कलर में है और एक ग्रे कलर में, जिसमें दो साइजेस कंपनी दे रही है, एक इसमें 1.5 टन और एक इसमें 2 टन। आज जो हम आपसे डिस्कस करेंगे वो है इनका 2 टन में 24 PG मॉडल, जो कि ग्रे कलर में विद बिगर इंडोर एंड विद बिगर आउटडोर के साथ कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च की है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इन्वर्टर में हम थोड़ा सा रूम के साइज़ को जो है वो फोकस बहुत कम कर रहे होते हैं, जबकि इन्वर्टर में रूम साइज़ आपको पहले देखना होता है। 1.5 टन और 2 टन में जो साइज़ कंपनीज रेकमेंड कर रही हैं कि 1.5 टन आपका मैक्सिमम 250 स्क्वायर फिट और 400 स्क्वायर फिट अगर आपका रूम साइज़ है या इससे बड़ा है तो फिर आप इसमें 2 टन कैपेसिटी की तरफ जाते हैं। तो ये इसमें इन्वर्टर में रूम साइज़ का बड़ा अहम किरदार अदा हो रहा होता है। आए हम आपसे बात करते हैं इसमें 24 PG मॉडल में। 24 PG बेसिकली आप देख सकते हैं इनका विद बिगर इंडोर विद बिगर आउटडोर कंपनी ने मॉडल लॉन्च की है। अगर हम इसके टेक्निकल फीचर्स की बात करें तो कंपनी इसमें जो इसका कंट्रोलर दे रही है, जो PCB कार्ड दे रही है, फोर्थ जनरेशन कंट्रोलर इसमें कंपनी प्रोवाइड कर रही है। कंप्रेसर की बात करें तो इसमें कंपनी रोटरी कंप्रेसर प्रोवाइड करती है, जो हाई एम्बिएंट एफिशिएंसी डाउन नहीं करता, एफिशिएंट इन्वर्टर कंप्रेसर कंपनी प्रोवाइड कर रही है। अगर हम इसकी एयर सप्लाई की बात करें तो इसमें कंपनी 4 डायमेंशनल एयर फ्लो आपको प्रोवाइड कर रही है, जिसमें लेफ्ट राइट अप डाउन आपको इसमें कंट्रोलर मिलता है थ्रू रिमोट। अगर हम बात करें इसमें इसके टेम्परेचर की, तो ये अगर टेम्परेचर आपका 50 क्रॉस भी कर जाता है तो ये एफिशिएंसी को डाउन नहीं करेगा। कंपनी वैसे मेंशन कर रही है हाई परफॉर्मेंस इन एक्स्ट्रा एनवायरनमेंट एट 60 टेम्परेचर, अगर आपका टेम्परेचर 50 क्रॉस करता है तो एफिशिएंसी को डाउन नहीं करेगा। हमारे यहाँ 60 तो नहीं होता, लेकिन फील लाइक 50, 52, 53 हो जाता है, जिसमें यूनिट आपका कारकर्दगी को बरकरार रखेगा। अगर हम इसके इवेपोरेटर की बात करें तो कंपनी बिल्कुल 100% जो है वो गोल्ड फिन्स इसमें प्रोवाइड कर रही है। अगर हम इसके कंडेंसर की बात करें तो कंपनी इसमें 100% कॉपर फिन्स जो है वो यूज़ कर रही है। बहुत अच्छा रिस्पांस है इसका। अगर हम कूलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कूलिंग, इलेक्ट्रिसिटी सेविंग, ईच एंड एवरीथिंग इज़ मच बेटर एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि आजकल T3 और T1 का कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो बहुत सारी कंपनीज जो है वो T3 स्टिकर्ड में मैंशन कर रही होती हैं, जो कि ट्रॉपिकलाइज्ड कैटेगरी में काउंट होता है, जो कि एक्चुअल T1 होता है पर उसको मेंशन T3 किया जा रहा होता है। ये कंपनी इसको बाकायदा क्लियर कर रही है, जबकि रोटरी कंप्रेसर होने के बावजूद इसको T3 क्लेम करें तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस फील नहीं होगा, क्योंकि ये मैक्सिमम टेम्परेचर पे एफिशिएंसी डाउन नहीं करता, लेकिन कंपनी ने इसको क्लियर रखा हुआ है कि एक्चुअली में आपको ये T1 ही प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम इसकी वारंटी की बात करें तो इसमें 10 ईयर्स कंपनी कंप्रेसर वारंटी प्रोवाइड कर रही है, 10 ईयर्स कंप्रेसर वारंटी और 1 ईयर जो है वो इसके कंप्लीट पार्ट्स की वारंटी है। आफ्टर सेल सर्विसेज इनकी ऑन द टाइम है। ऑल ओवर पाकिस्तान में ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में अपनी प्रोडक्ट को और डिलीवर कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे फीडबैक के साथ है। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।